गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक एनाटॉमी सब्जेक्ट का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है? एनाटॉमी 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 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी सब्जेक्ट है नर्सिंग में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आती है और जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी आती है। क्या होती है एनाटॉमी? साइंटिफिक स्टडी। क्या होती है? साइंटिफिक 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 स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एज एनाटॉमी। आया समझ में? क्या होती है एनाटॉमी? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। क्या होती है एनाटॉमी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। आया समझ में? जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। किसके अंतर्गत? जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे सभी स्टूडेंट्स, कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एवं किसी भी प्रकार का डाउट सेशन है, अगर किसी भी प्रकार को किसी स्टूडेंट का डाउट सेशन है तो वो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8949494950 8949495067 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अगर किसी प्रकार को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8949495067 पर कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट में डाउट प्रॉब्लम आ रही है फिर भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं क्या होती है एनाटॉमी। ठीक है, आया समझ में एनाटॉमी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। ठीक है, क्या होती है? जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं फादर्स ऑफ एनाटॉमी। फादर्स कौन होते हैं एनाटॉमी के? फादर्स ऑफ एनाटॉमी क्या होता है? फादर्स ऑफ एनाटॉमी, एक होता है फादर्स ऑफ एनाटॉमी और एक होते हैं फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एना कोई स्टूडेंट हमारी कोचिंग का कोई भी स्टूडेंट्स बता सकता है फादर्स ऑफ एनाटॉमी कौन है और फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है? फादर्स ऑफ एनाटॉमी कौन है? हीरो फिलस। कौन होता है फादर्स ऑफ एनाटॉमी? हीरो फिलस। और फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है? एंड्रस बेसालियस। आया समझ में आता? कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? फादर्स ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है? हीरो फिलस को फादर्स ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है और फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है? एंड्रस बेसालियस को फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, आया किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर देना या ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ठीक है, एवं अपने साथियों से सभी से बोलना है कि पढ़ाई एक शिक्षा का आधार है। ठीक है, शिक्षा ही जैसे बोलते हैं, शिक्षा ही वह शेरनी का दूध होता है, जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? एनाटॉमी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। ठीक है, क्या होती है? फादर्स ऑफ एनाटॉमी किसे आता है? हीरो फिलस को फादर्स ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है और फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसे कहा जाता है? एंड्रस बेसालियस को फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस क्या की थी हमने? एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। क्या होती है फिजियोलॉजी?
फिजियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फंक्शन, क्या होते हैं साइंटिफिक, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन, इज नोन एज साइंटिफिक फिजियोलॉजी। क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी की फंक्शंस की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस इज नोन एज एनाटॉमी, जिसके अंतर्गत ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की स्टडी की जाती हो उसको क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब डिस्कस करते हैं फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी क्या होती है, फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी। हमने बताया था फादर्स ऑफ एनाटॉमी बताया था, फादर्स ऑफ एनाटॉमी किसे कहा जाता है हीरोफिलस को कहा जाता है, फादर्स ऑफ एनाटॉमी किसे कहता है हीरोफिलस को, फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसे कहता है एंड्रस बेसालियस को, ऐसे ही फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी और फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। कोई बताएगा स्टूडेंट्स फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी और फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है, बताएगा फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है स्टेपन हेल्स को, क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी स्टेपन हेल्स। स्टेपन हेल्स को क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी, और फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है बताओ जल्दी स्टूडेंट्स कमेंट करके, किसे बोलते हैं क्लाउडी बर्नार्ड, किसे बोलते हैं क्लाउडी बर्नार्ड को क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, और फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं स्टेपन हेल्स को क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी। आया समझ में कि एनाटॉमी क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी, क्या होती है एनाटॉमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी, क्या होती है आया समझ में। उसके बाद है फादर्स ऑफ एनाटॉमी बताया था, फादर्स ऑफ एनाटॉमी किसे कहता है हीरोफिलस को क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ एनाटॉमी, ठीक है फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसे कहा जाता है एंड्रस बेसालियस को क्या बोलते हैं फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी क्या होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस, क्या होते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस इज नोन एज फिजियोलॉजी। उसके बाद हम डिस्कस किया था फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी किसे कहता है फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी किसे कहता है, फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी किसे कहता है स्टेपन हेल्स को फादर्स ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है, फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है क्लाउडी बर्नार्ड, किसको कहा जाता है क्लाउडी बर्नार्ड को मॉडर्न फिजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी किसे कहता है क्लाउडी बर्नार्ड को। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकता है सभी स्टूडेंट्स, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स एवं सभी लाइव स्टूडेंट जो भी हमारे वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो। इसने हमने आपकी सब्जेक्ट थी एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अब इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया एनाटॉमी क्या होती है आया समझ में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब इसके बारे में सभी डिटेल से पढ़ते हैं सबसे पहले प्ले हिसाब से, ठीक है सबसे पहले इसके बारे में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे पहले पहला टॉपिक आता है सेल का, ठीक है आई थी सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आती है बीएससी फर्स्ट ईयर में और जीएनएम फर्स्ट ईयर में, उसमें पहली सब्जेक्ट आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट रहती है उसके, जिसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डाउट कंप्लीट रहते हैं एमएसएन बहुत ही सरल पड़ती है जिसके लिए, ठीक है आया था समझ में। अब इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं, सबसे पहले पहली यूनिट होती है सेल की, किसको बोलते हैं सेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है आया सबसे पहले पहली यूनिट रहती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्या सेल,
कौन सी है? यूनिट फर्स्ट रहती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, सेल। सेल क्या होती है? सेल एक यूकेरेटिक सेल होती है। सेल क्या होती है? ह्यूमन सेल्स कैसी होती है? यूकेरेटिक सेल्स होती है। ह्यूमन सेल्स कैसी रहती है? यूकेरेटिक सेल्स। ह्यूमन सेल कैसी रहती है? ह्यूमन सेल्स कैसी रहती है? यूकेरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है, आया समझ में? ह्यूमन सेल्स कैसी रहती है? यूकेरियोटिक सेल्स रहती है। यूकेरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती है? यूकेरियोटिक सेल्स ह्यूमन में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? प्लांट में पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल्स किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? ह्यूमन में और प्लांट में पाई जाती है। प्लांट में पाई जाती है। सेल्स कैसी रहती है? सेल ह्यूमन बॉडी में जो सेल पाई जाती है वो कैसी रहती है? सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी में जो सेल होती है वो कैसी होती है? यूकेरेटिक सेल्स होती है। यूकेरेटिक सेल्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? एक तो ह्यूमन में पाई जाती है और एक प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, आया समझ में? साथ के साथ में रनिंग नोट्स बनाते चलना स्टूडेंट, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अगर रनिंग नोट्स, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे रनिंग नोट्स नहीं बनाएंगे, पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं बुकों में लिखा हुआ था। जब तक खुद रनिंग नोट्स, जब तक अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाते हैं, तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, साथ के साथ में रनिंग नोट्स बनाते भी चलना। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, आया समझ में आता क्या होती है यूकेरियोटिक सेल? एक साइंटिस्ट थे अरिस्तोल, आपने पढ़ा होगा अरिस्तोल, जिसे हिंदी में अरस्तु के नाम से अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु क्या होती है? अरस्तु, अरस्तु ने क्या बोला था कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। क्या होता है ह्यूमन? क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, आया? अरस्तु एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है। क्या होता है? सोशल एनिमल होता है। ठीक है, आया? ह्यूमन सेल्स एक यूकेरेटिक सेल्स में पाई जाती है। ह्यूमन सेल्स क्या होती है? यूकेरेटिक सेल्स में पाई जाती है। और यूकेरेटिक सेल्स किस किस में पाई जाती है? ह्यूमन में और प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद हम बताया था कि एक साइंटिस्ट थे अरिस्तोल, अरस्तु जिसको बोलते हैं अरिस्तोल, जिसे उन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। आया समझ में? अब देखते हैं सेल, सेल क्या होती है? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या होती है सेल? क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सेल्स आर द, डेफिनेशन देखो सेल की, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ऑफ द आया सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या रहती है? ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। लिख लिया सभी ने? रनिंग नोट्स साथ के साथ हम बनाते चलना स्टूडेंट्स। क्या होती है सेल्स? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होती है एक बार डिस्कस करते हैं। ह्यूमन सेल्स किस में पाई जाती है? यूकेरेटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकेरेटिक सेल्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? एक तो ह्यूमन में पाई जाती है और एक प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, और कहीं यूकेरेटिक सेल्स नहीं पाई जाती है। यूकेरेटिक सेल्स कहाँ पाई जाती है? एक तो ह्यूमन में पाई जाती है और एक प्लांट में पाई जाती है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन क्या होता है? एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अब डिस्कस करते हैं सेल। डेफिनेशन क्या होती है सेल की? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कैसी? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? यूनिट होती है। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी क्या होती है? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, आया समझ में?
सेल स्ट्रक्चर की स्टडी किसमें करते हैं, बताया था हमने, एनाटॉमी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एनाटॉमी। कोई भी पूछे, और फिर फंक्शंस की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, फिजियोलॉजी। कोई भी पूछे कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की, और फिजियोलॉजी के अंतर्गत फंक्शंस की स्टडी की जाती है। ठीक है, आया? किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, समझ में आया था, सेल की डेफिनेशन आई थी समझ में। अब इसके बाद करते हैं सेल के बारे में, सेल की स्टडी। ठीक है, सेल सेल में सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसकी सेल की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या बोला था कि स्टडी की थी, किसकी? सेल की स्टडी की थी। और कैसी सेल की स्टडी की थी? जिसमें डेड सेल की, डेड सेल की स्टडी की थी। कब? डेड सेल की खोज की थी 1665 में। 1665 में डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। डेड सेल किस कब की थी? डिस्कवर्ड किया था। कब की थी? डिस्कवर्ड किसने की थी? डिस्कवर्ड डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। 16 स्टूडेंट सभी साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना, सभी स्टूडेंट्स, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट सभी देखना मत, साथ के साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलना है। कोचिंग के नोट्स तो प्रॉपर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने खुद के हाथों से नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तभी जाके कंपटीशन फाइट कर सकते हो आप। जब तक अपने हाथों से कहीं नहीं लिखोगे, आलस को छोड़ो, ठीक है, सभी आलस को दूर करना है, अपने हाथों से नोट्स बनाना है, ठीक है, तभी जाके आप प्रोग्रेस कर सकते हो। कोचिंग के बाहर बहुत सारी कोचिंग है, उन सभी के बाहर नोट्स मिल जाते हैं, हर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। जयपुर में गुजर की थड़ी पर चले जाओ, चौराहे पर हर दुकान पर कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब तक अपने हाथों से नहीं लिखोगे, तब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिस्कवर्ड किया था, डेड सेल की खोज की थी कब? 1665 में। कब की थी? 1665 में डेड सेल की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि राइट अबाउट डिस्कवर्ड डेड सेल, डेड सेल किसकी? डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। और डिस्कवर्ड डबल ग्लास माइक्रोस्कोप यूज सीन इन द सेल। डिस्कवर्ड डबल ग्लास माइक्रोस्कोप, डबल ग्लास माइक्रोस्कोप, दो ग्लास को जोड़कर, किसको? पहले माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, तो साइंटिस्ट ने क्या था, रॉबर्ट हुक ने एक टेक्निक निकाली कि दो ग्लास को जोड़कर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। किसकी? डेड सेल की खोज कब की थी? दो ग्लास को जोड़कर, डिस्कवर्ड दो ग्लास को जोड़कर माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद डेड सेल की खोज की थी। आया समझ में? डेड सेल की खोज कब की थी? दो ग्लास को जोड़कर, ठीक है। अब इसके बाद डेड सेल की खोज तो कर ली, अब डेड सेल कैसी दिखाई दे रही थी ये भी तो जानना जरूरी है। डेड सेल सीन, कैसी दिखाई दे रही थी? लाइन जेल,
मतलब जेल की कोठरी के समान। जेल में जो भी कोठरी रहती है देखा होगा आपने, छोटी छोटी, हमने तो देखा नहीं अभी तक। डेड सेल सीन लाइन जेल, ठीक है, जेल की जो कोठरी होती है उनकी जैसी दिखाई देती है, डेड सेल की, ठीक है। डेड सेल कैसी दिखाई देती थी? लाइन जेल के कोठरी के समान। आया समझ में? डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी 1665 में। उसके बाद डिस्कवर डबल माइक्रोस्कोप, दो ग्लास को जोड़कर डबल ग्लास माइक्रोस्कोप की हेल्प से, दो ग्लास को जोड़कर, ठीक है, दो ग्लास को जोड़कर, ठीक है। और उसके बाद अब डिस्कवर कर लिया दो ग्लास को जोड़कर, उसके बाद सेल, आप भी जानोगे कि सेल कैसी दिखाई देनी चाहिए, तो उन्होंने देखा कि सेल कैसी दिखाई दे रही थी, लाइन जेल की तरह दिखाई दे रही थी, ठीक है। और उसके बाद फिर डेड सेल की खोज की थी, ठीक है, और उन्होंने किस बुक में सेल के बारे में किस बुक में लिखा था? माइक्रोग्राफिया बुक में। राइट अबाउट सीन इन माइक्रोग्राफिया बुक, राइट अबाउट अबाउट सीन इन माइक्रो माइक्रोग्राफिया बुक में। किसमें सीन होती लिखा नहीं था? अबाउट सेल, राइट अबाउट सेल बुक, सेल इन बुक, ठीक है, राइट अबाउट सेल इन बुक, इन माइक्रोग्राफिया बुक, ठीक है। किस बुक में लिखा था? माइक्रोग्राफिया बुक में। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में लिखा था। किसमें? माइक्रोग्राफिया बुक में। किसमें? माइक्रोग्राफिया बुक में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में लिखा था। आया सब स्टूडेंट को यहाँ तक तो समझ में? सबसे पहले किसकी थी? डेड सेल की खोज की थी 1665 में। डिस्कवर किया था डेड सेल को, किसको? दो ग्लास को जोड़कर। कैसे सर्च किया था? दो ग्लास को जोड़कर एक माइक्रोस्कोप बनाया, डबल ग्लास माइक्रोस्कोप बनाया, दो ग्लास को जोड़कर एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद डेड सेल की खोज की थी। उसके बाद डेड सेल सीन इन, डेड सेल डिस्कवर तो कर लिया, फिर आपकी भी चाहत होती है कि डेड सेल कैसी दिखाई देनी चाहिए। डेड सेल देखी थी तो वो लाइन जेल की तरह दिखाई दे रही थी। और उसके बाद राइट अबाउट सेल बुक इन माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया बुक में सेल के बारे में लिखा था, ठीक है। ठीक है, आया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी 1665 में, 1665 में एक डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। डेड सेल को किससे खोजा गया था? दो ग्लास, डबल ग्लास माइक्रोस्कोप, दो ग्लास को जोड़कर एक डबल ग्लास माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद डेड सेल को खोजा गया था। और डेड सेल कैसे दिखाई रही थी? लाइन जेल की तरह दिखाई दे रही थी, ठीक है। उसके बाद डेड सेल को एक माइक्रोग्राफिया बुक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में डेड सेल के बारे में लिखा था, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है। और फादर्स ऑफ रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है।
साइटोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड क्या होती है? साइटोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी करना, जहां वर्ड लॉजी का दिख जाए उसको क्या बोलते हैं? स्टडी करना। जहां वर्ड लॉजी आ जाए, किसी भी टर्म, कोई सी भी टर्म हो जिसमें लॉजी वर्ड आ जाए, जिसमें लॉजी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ठीक है, क्या होती है साइटोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ, क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आया समझ में? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत सेल्स की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट ओक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ओक, उन्होंने फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। किसकी? जिस भी चीज में लॉजी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना। साइंटिफिक स्टडी, साइटोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल, जिसके अंतर्गत सेल्स की साइंटिफिक स्टडी की जाती हो, मतलब कोशिका की स्टडी की जाती हो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। आया समझ में? रॉबर्ट ओक को क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ सेल्स भी कहा जाता है रॉबर्ट ओक को। क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ सेल्स किस कहा जाता है? रॉबर्ट ओक को फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है रॉबर्ट ओक को। और इन्होंने डिस्कवर की थी सेल की खोज, किस उन्होंने की थी? डिस्कवर्ड रॉबर्ट ओक ने सेल की खोज की थी। आए समझ में? रॉबर्ट ओक के क्या क्या साइंटिस्ट थे? इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे एंटोन वॉन ल्यूबेनुक। रॉबर्ट ओक के बाद एक साइंटिस्ट आए थे एंटोन वॉन ल्यूबेनुक। एंटोन वॉन ल्यूबेनुक, एंटोन वॉन ल्यूबेनुक एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट ओक। जिस यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ओक पढ़ते थे, उसी यूनिवर्सिटी में एंटोन वॉन ल्यूबेनुक पढ़ते, मतलब रॉबर्ट ओक के स्टूडेंट थे। एंटोन वॉन ल्यूबेनुक थे क्या? थे रॉबर्ट ओक के स्टूडेंट थे। जिस यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ओक पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी में एंटोन वॉन ल्यूबेनुक भी पढ़े थे। तो उन्होंने क्या बोला कि डिस्कवर्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि डेड सेल की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट ओक ने। डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, जीवित सेल, डिस्कवर्ड इज लिविंग सेल, डिस्कवर्ड लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूबेनुक ने लिविंग सेल की खोज की थी, इसलिए इसको फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स भी कहा जाता है। फादर्स ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओक को तो क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ लिविंग सेल, फादर ऑफ लिविंग क्या होते हैं? डिस्कवर्ड इज लिविंग सेल्स, डिस्कवर्ड इज लिविंग सेल्स और फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। आया समझ में? एंटोन वॉन ल्यूबेनुक एक साइंटिस्ट थे, जिस यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ओक पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ओक पढ़े थे उसी यूनिवर्सिटी में एंटोन वॉन ल्यूबेनुक भी पढ़े थे, ठीक है। इसने डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स की खोज की थी, एंटोन वॉन ल्यूबेनुक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी, इसलिए इसको फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स, इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी, डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स की खोज की थी 1674 में। लिविंग सेल्स की कब खोज थी? 1664 में, ठीक है।
और डेड सेल की रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोज थी 1665 में, 1665 में, और लिविंग सेल खोज किसी थी 1674 में। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट हुक पढ़ते थे उसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए स्टूडेंट थे। ठीक है, फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स भी कहा जाता है डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स की। ठीक है, और एंटोन वोलिवनो को क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ माइक्रोग्राफिया या माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है लिविंग सेल्स। एंटोन वोलिवनो को क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी रो एंटोन वोलिवनो को क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है माइक्रोबायोलॉजी, अब डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। आप मैंने पहले ही बताया था लॉजी वर्ड जहाँ पर आ जाए उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना, स्टडी करना, जहाँ पर लॉजी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, किसकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी। आया समझ में, डिस्कवर्ड लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोन वोलिवनो ने 1674 में, 1674 में, 1674 में लिविंग सेल्स की खोज की थी एंटोन वोलिवनो ने। उसके बाद आए थे फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स भी किसे कहा जाता है, एंटोन वोलिवनो को, और फादर्स ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना था किसी स्टूडेंट को, फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स किसे कहा जाता है, एंटोन वोलिवनो को फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स कहा जाता है, फादर्स ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इसलिए उन्होंने डिस्कवर किया था सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने कैसी खोज की है, लिविंग सेल्स की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी एक एंटोन वोलिवनो को भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में, अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो रहा हो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है, हम उस स्टूडेंट्स की, हमारे कोचिंग का कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, या हमारे एक्स्ट्रा कोचिंग खत्म हो जाती है उसके बाद हमारे चैम्बर में आकर क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, हमारे ऑफिस में आकर डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट को क्लियर करके स्टूडेंट को ही जाना है। ठीक है, आया समझ में आता, लिविंग, एक बार और, डिस्कवर्ड इज लिविंग सेल्स, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, एंटोन वोलिवनो ने लिविंग सेल की खोज की थी 1674 में। ठीक है, फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स किसे कहा जाता है, एंटोन वोलिवनो को भी फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स कहा जाता है, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसे कहा जाता है, एंटोन वोलिवनो को फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो, जिसके अंतर्गत माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती हो, क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आया, और उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं एंटोन वोलिवनो के फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, डोग्लास को जोड़कर, डबल ग्लास माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन मॉडर्न माइक्रोस्कोप जो प्रेजेंट में चल रहा है, मॉडर्न माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड मॉडर्न माइक्रो आया समझ में, डिस्कवर्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, एंटोन वोन लियोबकोन ने। कैसे माइक्रोस्कोप की, मॉडर्न माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, एंटोन वोन लियोबकोन ने। और डबल ग्लास माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, एंटोन वोन लियोबकोन ने किसने की थी, डिस्कवर्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक ने तो दो ग्लास माइक्रोस्कोप बनाया डबल ग्लास को जोड़कर।
ठीक है, आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना है। डबल ग्लास माइक्रोस्कोप किसने बनाया? रॉबर्ट ओक ने। और मॉडर्न माइक्रोस्कोप किसने बनाया? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, इसलिए इसको फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप किसे बोलते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, और आया समझ में यहाँ तक? किसी भी पर्सन का स्टूडेंट कोई भी डाउट हो रहा हो तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है। बार बार बोला जा रहा है, किसी भी पर्सन का कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल पर कमेंट कर सकता है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर किसी भी पर्सन को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एवं अपने फ्रेंड्स को हमारी कोचिंग के बारे में अवगत कराएं। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी। किसे कहा जाता है? फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी भी किस कहा बोलते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी किसे बोलते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। जिसके अंतर्गत पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटोलॉजी। आया समझ में यहाँ तक? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। सबसे पहले किसकी खोज की थी? लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, इसलिए उसको फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद डिस्कवर्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप। मॉडर्न माइक्रोस्कोप खोज की थी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इसलिए फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी कैसे कहा जाता है? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को फादर्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी कैसे कहा था? फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी भी कहा जाता है। किसको? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को फादर्स ऑफ पैरासाइटोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी प्रकरण को कोई भी डाउट आ रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, लुईस पाश्चर। सबसे पहले कौन था आए थे? रॉबर्ट हुक, उसके बाद लुईस एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, उसके बाद आए थे लुईस पाश्चर। एक साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर। नोट्स बना लिए सभी ने? रनिंग नोट्स साथ के साथ हम बनाते चलना। ठीक है, लुईस पाश्चर। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे लुईस पाश्चर। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की थी? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने। लेकिन लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को। ठीक है, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते थे? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक को। और फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे बोल रहे थे? लुईस पाश्चर को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक
इन्होंने स्टरलाइजेशन टेक्निक भी दी थी। लुईस पाश्चर साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को। और स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी थी? गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने? लुईस पाश्चर ने स्टरलाइजेशन टेक्निक दी। ठीक है, फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव गिवन, इसलिए इसको फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव भी कहा जाता है, फादर ऑफ ऑटोक्लेव। आया समझ में? कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है, फादर्स ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक किसे कहा जाता है? फादर्स ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक भी किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को, क्योंकि फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव टेक्निक। ठीक है, स्टरलाइजेशन टेक्निक किसे ने दी थी? गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने, इसलिए इसको फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव भी कहा जाता है। अगर कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है फादर्स ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक, तो फिर भी क्या ऑप्शन जाएगा? लुईस पाश्चर। ठीक है, फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला? गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक और गिवन पाश्चराइजेशन टेक्निक, गिवन पाश्चराइजेशन टेक्निक। पाश्चराइजेशन टेक्निक भी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, आया समय? लुईस पाश्चर ने क्या कह दिया था? फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, लुईस पाश्चर क्या बोलते हैं? फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी थी? गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक भी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। और फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव भी कहा जाता है। और गिवन पाश्चराइजेशन टेक्निक, पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, इसलिए इसको गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक, पाश्चराइजेशन टेक्निक, गिवन ऑटोक्लेव टेक्निक, फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव भी कहा जाता है। और टेक्निक किस दी थी? गिवन ऑटोक्लेव टेक्निक, गिवन ऑटो क्लैब। ठीक है, आया? फादर्स ऑफ ऑटो क्लैब और गिवन ऑटो क्लैब टेक्निक। ऑटो क्लैब टेक्निक भी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। आया? फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? लुईस पाश्चर को फादर्स ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, गिवन स्टरलाइजेशन टेक्निक दी थी, स्टरलाइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। और फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव टेक्निक। और गिवन पाश्चराइजेशन टेक्निक, पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। और गिवन ऑटोक्लेव टेक्निक भी किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिख लिया सभी स्टूडेंट्स से, रनिंग नोट्स बना लेना, साथ के साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए चलना है। जब तक आप मेरे हाथों से नहीं लिखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। को नोट्स तो हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक पड़ी हुई हैं, लेकिन तब तक आप प्रॉपर अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, प्रॉपर अपने हाथों से नोट्स बनाओ, पर डे पढ़ा करो नोट्सों को। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आया समझ में? फ्री फ्रॉम माइक्रो स्टरलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको क्या करना है? ऑटोक्लेव करना है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस से बाहर करना है। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले हमने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उनके बारे में बताया, उसके बाद एंटोन वन लेवेनहॉक साइंटिस्ट थे, उसके बाद लुईस पाश्चर। आया समझ में यहां तक? ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, हमने पढ़ी थी फादर्स ऑफ ऑटोक्लेव और ऑटोक्लेव टेक्निक किसने दी थी?
लुइस पाश्चर ने, ठीक है, किसने दी थी ऑटोक्लेव टेक्निक, गेवन ऑटोक्लेव टेक्निक किसने दी थी, लुइस पाश्चर ने, पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दी थी, लुइस पाश्चर ने। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑटोक्लेव के बारे में, किसके बारे में, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या होती है, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव इज मोस्ट कॉमन यूज मेथड, क्या होता है ऑटोक्लेव, ऑटो क्लेव मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल। ऑटोक्लेव क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन, हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन, फॉर स्टरलाइजेशन। आए समझ में, ऑटोक्लेव मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, ऑटोक्लेव। हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन का मोस्ट कॉमन या मोस्ट मेथड कौन सा होता है, ऑटोक्लेव, ठीक है, ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना रहता है, अब बताओगे ऑटोक्लेव का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना आता है, 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और किस मेथड पर कार्य करती है, मोस्ट हीट मेथड पे, मेथड क्या रहेगा, मोस्ट हीट मेथड, किस मेथड पर कार्य करती है, मोस्ट हीट मेथड पर कार्य करती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहती है, टाइमिंग टेम्परेचर कितना रहता है, 121 डिग्री सेल्सियस, और टाइमिंग क्या रहती है, 15 से 30 मिनट, ठीक है, ये किसी बुक में 15 से 20 मिनट लिखा हुआ, किसी बुक में 20 से 30 मिनट रहता है, लेकिन एवरेज हम एवरेज लेके चलते हैं 15 से 30 मिनट, ठीक है, और प्रेशर, और प्रेशर कितना रहेगा, पंद्रह एलवी पर इंच स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर कितना रहता है, 15 एलवी पर इंच स्क्वायर, एलवी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट रहती है, देख लेना, एलवी क्या रहती है, प्रेशर की यूनिट रहती है, की यूनिट, एलवी क्या रहती है, प्रेशर की यूनिट होती है। आई समझ में, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है, ऑटोक्लेव करते हैं तब टेम्परेचर कितना रहना चाहिए मशीन का, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, मेथड किस मेथड पर कार्य करती है, ऑटोक्लेव किस मेथड पर कार्य करती है, मोस्ट हीट मेथड पर कार्य करती है, ठीक है, टेम्परेचर और टाइमिंग क्या रहती है, ऑटोक्लेव करने की टाइमिंग क्या रहती है, 15 से 30 मिनट, और प्रेशर कितना रहता है, 15 एलवी पर इंच स्क्वायर, ठीक है, एलवी क्या रहती है, प्रेशर की यूनिट रहती है, आया समझ में, साथ में रनिंग नोट्स बनाते चलना, ठीक है, बना लो नोट्स, बना लिए नोट्स, बना जल्दी,
ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका प्रेशर कितना था, उसका मेथड क्या था, उसकी टाइमिंग क्या थी। अब ऑटोक्लेव मशीन की खोज किसने की थी? अब ऑटोक्लेव आई है कहीं ना कहीं से, तो उसकी खोज ना खोज तो किसने की थी? ऑटोक्लेव मशीन इज डिस्कवर्ड बाय, मशीन इज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था ऑटोक्लेव मशीन को? चार्ल्स चैम्बर लैंड, एक साइंटिस्ट था चार्ल्स चैम्बर लैंड ने ऑटोक्लेव मशीन की खोज की थी। डिस्कवर किसने की थी? चार्ल्स चैम्बर लैंड ने, ठीक है, ऑटोक्लेव मशीन की खोज की थी। आया समझ में? ठीक है, ऑटोक्लेव कर रहे थे, स्टरलाइज कर रहे थे, स्टरलाइजेशन कर रहे थे। मोस्ट हीट मेथड होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन एक किस पार्ट का होता है? CSST, सेंट्रल स्टराइल, ठीक है, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट का क्या होता है? स्टरलाइजेशन क्या होता है? एक पार्ट होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ द CSST डिपार्टमेंट, लिख लेना। ये क्वेश्चन आ जाता है CHO वगैरह में, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन CHO में पूछा जाता है, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ CSSD, CSSD डिपार्टमेंट, CSSD डिपार्टमेंट। CSSD की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाइंग डिपार्टमेंट। क्या होती है CSSD फुल फॉर्म? CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाइंग डिपार्टमेंट। क्या होती है CSSD? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाइंग डिपार्टमेंट, जिसको सेंट CSSD को अदर नाम क्या होता है? लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। CSSD को किस नाम से जाना जाता है? लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आया, अगर किसी प्रकार का डाउट आ रहा हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकता है, हम उसकी डाउट को प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में तुरंत। जिस किसी स्टूडेंट नोट्स या हमारे कमेंट करेगा तो अगली वीडियो में तुरंत हम आपको उस डाउट के बारे में ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। क्या होता है CSSD डिपार्टमेंट? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाइंग डिपार्टमेंट, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज, अगर जैसे हमारे स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं लैबों में, जैसे कि चेटल फोर्सेप्स हो गया, या कोई भी ओबम फोर्सेप्स हो गया, या कोई भी सीजर हो गई, ठीक है, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का 3 दिन तक यूज नहीं किया जाता है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का 3 दिन तक यूज नहीं किया गया है, तो उसको किसी भी सर्जरी या इसको यूज करने से पहले स्टराइल किया जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का 3 दिन तक यूज नहीं किया गया है तो, ठीक है, यूज करने से पहले उसको स्टराइल करना चाहिए। ऑटोक्लेव टेक्निक दी थी लुईस पाश्चर ने, उसके बाद एक टेक्निक और दी थी, कौन सी? पाश्चराइजेशन टेक्निक। कौन सी क्या टेक्निक दी थी? पाश्चराइजेशन टेक्निक। आई समझ में? पाश्चराइजेशन टेक्निक किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने दो टेक्निक दी थी, एक तो ऑटोक्लेव टेक्निक दी थी, और कौन सी टेक्निक दी थी? दूसरी पाश्चराइजेशन टेक्निक, ठीक है। पाश्चराइजेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम बोवाइन टीबी, टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट फ्रॉम बोवाइन टीबी। जैसे पहले हमने सुना था कि जो पर्सन गाय का कच्चा दूध पीते हैं उनको टीबी होने के चांस ज़्यादा रहते थे, ठीक है। इन्होंने इसलिए पास्टराइजेशन टेक्निक थी कि मिल्क को गर्म करके पीना है टू प्रिवेंट फ्रॉम बोवाइन टीबी, जिससे कि पेशेंट को, जिससे कि पर्सन को टीबी से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। पास्टराइजेशन टेक्निक किस मेथड पे कार्य करते हैं? नंबर एक, उन्होंने टू मेथड दिए थे, थ्री मेथड, थ्री मेथड से कार्य करती थी पास्टराइजेशन टेक्निक। किसने? थ्री मेथड। नंबर एक होल्डर मेथड, नंबर एक कौन सा दिया था? होल्डर मेथड, ठीक है। होल्डर मेथड तो था मिल्क सुड बार्म, मिल्क क्या कर रहे थे? बार्म कर रहे थे, मिल्क सुड भी बार्म। बार्म मिल्क क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे, मिल्क को क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। और टेम्परेचर कितना था? ऑन 62। सिक्सटी टू पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड मिल्क को गर्म कर रहे थे, और कितने पे? सुर बार्म ऑन 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहे थे? मिल्क को गर्म कर रहे थे 4:30 मिनट, 4:30 मिनट बाद क्या कर रहे थे? इसको कूल कर रहे थे, मोर 4:30 मिनट देन कूल, देन क्या कर रहे थे? ठंडा। सबसे पहले 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहे थे? मिल्क को गर्म कर रहे थे। उसके बाद 30 मिनट तक उसको कूल कर रहे थे, 30 मिनट तक उसको क्या कर रहे थे? कूल कर रहे थे, रैपिडली कूल कर रहे थे। कैसे? रैपिडली कूल कर रहे थे। और किसना टेम्परेचर पे? कूल, ठीक है। क्या कर रहे थे? रैपिडली कूल ऑन रूम टेम्परेचर, कूल ऑन रूम टेम्परेचर, ऑन रूम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना? रूम टेम्परेचर पे क्या कर रहे थे? ठंडा कर रहे थे, उस जिससे कि पेशेंट में क्या होता है? विच क्रिएट थर्मल शॉक, जिससे क्या होगा? 30 मिनट तक गर्म कर रहे थे और रूम टेम्परेचर, विच क्रिएट थर्मल शॉक, विच विच क्रिएट थर्मल शॉक, जिससे कि थर्मल शॉक लग रहा था, ठीक है। जिससे कि क्या कर रहा था? थर्मल शॉक दैट किल द बैक्टीरिया, जिससे कि क्या कर रहा था? बैक्टीरिया को क्या कर रहा था? मार रहा था। दैट किल द बैक्टीरिया, ठीक है। आए समझ में? होल्डर मेथड में क्या कर रहे थे? मिल्क को 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहे थे? मिल्क को गर्म कर रहे थे, और 30 मिनट तक। कितने देर टाइम तक गर्म करते हैं? 30 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट तक क्या किया था? मिल्क को गर्म किया था। उसके बाद रैपिडली कूल किया था 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जिससे कि मिल्क में क्या हो? क्रिएट थर्मल शॉक क्रिएट हो, और क्या हो? किल द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या कर सके? नष्ट कर सके। पहला मेथड कौन सा था? होल्डर मेथड। इसमें मिल्क को 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। कितनी? 62.5 डिग्री 30 मिनट तक क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। गर्म कर लिया, उसके बाद क्या करते? रैपिडली कूल कर रहे थे, रैपिडली कूल। कितना? रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, विच क्रिएट थर्मल शॉक। अगर रूम टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे थे? उसको कूल कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था, और बैक्टीरिया को क्या कर रहा था? किल कर रहा था, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद है पहला कौन सा था? ओल्डर मेथड, और सेकेंड है फ्लैश मेथड। क्या पढ़ रहे थे हम? कंफ्यूजन होना है, सेल पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहां से भी कंपटीशन का क्वेश्चन निकले, ठीक है, वहां से निकालना है, ठीक है।
अगर नॉर्मल सेल पढ़ा दी मैंने, कौन पढ़ाएगा इनको? यही सिलेक्शन का राज होता है सबसे बड़ा, कि जहाँ से कुछ भी मिले सबसे पहले गॉस पीस निकाल लो, ठीक है? जहाँ से कुछ भी मिले, अभी तो आप क्या हो, एक लुए हो, अभी क्या हो, लुए हो, अभी तो आपको अडल्ट बनाना है, ठीक है? पहला कौन सा था? होल्टर मेथड। दूसरा कौन सा? फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड, इसमें क्या होता है, मिल्क को कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे थे? 70 डिग्री, 70। मिल्क वार्म ऑन 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर, टाइमिंग क्या रहेगी बताओ जल्दी स्टूडेंट्स, कोचिंग के सभी स्टूडेंट्स, टाइमिंग क्या रहती थी? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। और कितने टाइम तक गर्म करते हैं जल्दी बताओ, कितने टाइम तक? 20 सेकंड तक। कौन बता रहा है 20 मिनट? 20 सेकंड तक। कितने टाइम तक? 20 सेकंड किसने बोला? कितने 20 सेकंड तक क्या करते हैं? गर्म कर रहे थे, ठीक है? देन कूल, उसके बाद कूल करते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पर ही कूल किया जाता है। देन कूल ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कितना गर्म कर रहे थे? 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है? विच क्रिएट थर्मल शॉक, विच क्रिएट थर्मल शॉक, ठीक है? जिससे कि थर्मल शॉक क्रिएट होता है, दैट किल द बैक्टीरिया, दैट किल द बैक्टीरिया। आए समझ में? फ्लैश मेथड में क्या कर रहे थे? मिल्क को 70 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे थे? 20 सेकंड तक गर्म कर रहे थे। और होल्डर मेथड में कितने डिग्री पे? 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। और फ्लैश मेथड में कितने की डिग्री? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने? 20 सेकंड तक, ठीक है? देन कूल रूम टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, विच क्रिएट थर्मल शॉक और किल द बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया किल हो रहा था, ठीक है? लिख लो सभी स्टूडेंट, लिख लिया ये सभी स्टूडेंट ने? होल्टर मेथड लिख लिया? अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है? इसके बाद है थर्ड मेथड, कौन सा होता है? हाई, हाई, ठीक है? कौन सा? हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम, टेम्परेचर सॉल्ट टाइम, कौन सा मेथड है? हाई टेम्परेचर सॉल्ट टाइम, ठीक है? इसमें क्या कर रहे थे? मिल्क को बार्म कर रहे थे, मिल्क बार्म ऑन 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मिल्क को कितने टाइम तक बार्म कर रहे थे? 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 2 सेकंड, कितना टाइम? 2 सेकंड तक, बस कितना? 2 सेकंड तक कितना कर रहे थे? 2 सेकंड तक क्या कर रहे थे? ठीक है, आया? 2 सेकंड तक क्या कर रहे थे? मिल्क बार मोड 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 सेकंड, देन कूल ऑन रूम टेम्परेचर, और उसके बाद रूम टेम्परेचर पर कल वो कर रहे थे, और विच क्रिएट, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? विच क्रिएट
शॉक, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था, दैट किल द बैक्टीरिया, दैट किल द बैक्टीरिया और क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, किल कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मेथड था, आया समझ में यहाँ तक, थ्री मेथड थे। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे, थ्री। सबसे पहला था होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में मिल्क को कितने टाइम तक गर्म कर रहे थे, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहे थे। कितने टाइम तक, 30 मिनट तक गर्म कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद रैपिडली कूल कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होते हो, विच क्रिएट थर्मल शॉक, जिसकी वजह से थर्मल शॉक क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, थर्मल शॉक क्रिएट होता, देन किल द बैक्टीरिया, और क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को किल कर रहा था। ठीक है, आया ओल्डर मेथड समझ में। ओल्डर मेथड में क्या हो रहा था, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट तक, 30 मिनट तक मिल्क को गर्म कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद रैपिडली कूल कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था, और क्या हो रहा था, बैक्टीरिया वायरस क्या हो रहा था, किल हो रहे थे। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बोवाइन टीबी नहीं हो, इसके लिए जैसे पास्चुराइजेशन टेक्निक दी गई थी, किसने, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, उसके बाद आता फ्लैश मेथड। इसमें मिल्क को कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर रहे थे, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर रहे थे, मिल्क को गर्म कर रहे थे। उसके बाद कितने टाइम तक, 20 सेकंड तक, कितने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेकंड तक मिल्क को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता था, रैपिडली कूल कर रहे थे। उसके बाद मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 सेकंड तक क्या कर लिया, गर्म कर लिया। उसके बाद रैपिडली कूल कर रहे थे। ठीक है, रैपिडली कूल करने के बाद क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे बताओ, जिसकी वजह से थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था, भी बताया था, देखो, विच क्रिएट थर्मल शॉक दैट किल द बैक्टीरिया, थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था। उसके बाद थर्ड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसमें मिल्क को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, कितने 2 सेकंड तक। ठीक है, और क्या कर रहे थे, रूपिडली कूल रूम टेम्परेचर पर कितना, रैपिडली क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे। ठीक है, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसकी वजह से थर्मल शॉक क्रिएट हो रहा था, और क्या कर रहा था, किल द बैक्टीरिया। आया समझ में, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा हो, ठीक है, आया समझ में यहाँ तक, ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़े थोड़े दो तीन क्वेश्चन हैं, इनको हेडिंग डाल के लिख लेना। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, प्योर प्योर वाटर वाटर बॉइलिंग बताओ, कोई भी स्टूडेंट, प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्योर वाटर, और साल्टी वाटर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा था, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, सी वाटर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, सी वाटर, जिसे क्या बोलते हैं, साल्टी वाटर बॉइलिंग पॉइंट, सी वाटर बॉइलिंग पॉइंट, और कौन सा होता है, एक क्या होता है, सी मतलब साल्टी वाटर या साल्टी वाटर फ्रीजिंग पॉइंट,
बताओ जल्दी। प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री। प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर कितना रहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और सी वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। और साल्टी वाटर बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आया समझ में? आता? अगर आपको हमारी कोई भी पूरी वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा हो या कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे कमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, इसके बाद आगे हम अपने अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स।